भाई वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं टीम वर्क। परफॉर्मेंस हो तो ऐसी जो दुनिया को आपके कदमों में ला दे। क्या बात है टीम इंडिया, मुबारक हो भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट जीत के लिए। अब चलिए, मैच तो जीत गए, सबने इतना अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन इस मैच में कुछ कमाल के फैक्ट्स निकल करके आए हैं, कमाल की घटनाएं घटी जिसने फ्यूचर का एक नजारा पेश किया है। आइए आज ऐसे ही 5 फैक्ट्स पर बात करते हैं। भाई पिछले आईपीएल में शुभमन गिल ने शतक लगाए, लोगों ने कहना चालू कर दिया कि किंग विराट कोहली का उत्तराधिकारी हमें प्रिंस मिल गए। विराट ने खुद की इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई, द फ्यूचर इज हियर। लेकिन वहीं कोई चुपचाप विस्फोट कर रहा था, जबरदस्त बैटिंग कर रहा था मगर उतना अप्रिसिएट नहीं हो रहा था। उसके पहले डोमेस्टिक में भी कमाल कर रहा था। वेस्ट इंडीज टूर पर उसने डेब्यू किया और पहली पारी में ही 171 रन ठोक दिए। जब इस सीरीज शुरू हुई तो बेसबॉल पर हर कोई बात कर रहा था, वे कैसे उधेड़ते हैं, कितना मारते हैं, सब इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन फिर वो इंग्लैंड का काल बन गया। नाम एसएसपी जायसवाल, काम टेस्ट में हवाई फायरिंग करना। पहले मैच की पहली पारी में एक अकेला वही था जो बेखौफ अंदाज में खेला, 108 के स्ट्राइक रेट से 80 रन बना गए। अगले मैच में जहां सेकंड बेस्ट, गौर से सुनिएगा, जहां किसी बैट्समैन से 34 से भी ऊपर की पारी नहीं आई, वहां से 209 रन ठोक गए, वो भी 72 के स्ट्राइक रेट से। और तीसरे मैच की दूसरी पारी में उसने कोहराम मचा दिया, सिर्फ 236 गेंद में 214 रन, 90 के भी ऊपर स्ट्राइक रेट से, 14 चौके तो जड़े ही, 12 छक्के भी लगाए। और जेम्स एंडरसन के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गए, न उम्र का लिहाज किया न विकेटों का, उनको लगातार 3 छक्के, एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड में वसीम अकरम की बराबरी कर ली। भाई से क्या कहेंगे आप, माइकल वॉन ने इन्हें दूसरा वीरेंद्र सहवाग कह दिया। फैन ये सचिन तेंदुलकर के एलिगेंस कुछ सौरव गांगुली जैसा है, छक्के हिटमैन स्टाइल में लगाते हैं, अच्छी बॉल को भी बड़े आराम से, और अग्रेशन विराट कोहली जैसा है, ये भी बैन स्टॉक्स का उच्चारण करते रहते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो ऑल इन वन पैकेज। अब असली फ्यूचर तो मुझे ये नजर आ रहे हैं जो क्रिकेट पर राज करने आया है, परफेक्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर जो कि कभी भी कहीं भी किसी भी स्टेज पर कोई सा भी मैच जिता सकता है। अब इन्हें किसी का उत्तराधिकारी नहीं कह सकते हैं, बल्कि अपना खुद का राज जमाने आए हैं। बस एक यही गुजारिश है, कैसे ही लगे रहिएगा, अपने अग्रेसिव ब्रांड को कभी भी चेंज मत कीजिएगा और रनों की अपनी इस भूख को कभी शांत मत होने दीजिएगा। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें मॉडर्न सुपरस्टार मिल चुका है जो कल रोहित और विराट के जाने के बाद हमें अपने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से मैच जिताएगा। भाई एक चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, गिल को उत्तराधिकारी कहते हैं विराट का। टेस्ट में उन्होंने अपना खुद नंबर चेंज किया 3 पर, रिप्लेस किया चेतेश्वर पुजारा को, मगर ये तो खुद भी पुजारा बन गए, ये तो उन्हीं की लेगेसी निभाने लग गए। मुझे तो कई बार शक होता है कि गिल के रूप में पुजारा तो नहीं आ गए, या गिल पुजारा को ही ट्रिब्यूट दे रहे हैं हर मैच में। मतलब कमाल की कॉमेडी हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, जरा समझिए। गिल का टेस्ट एवरेज तो आपको पता ही है, 23 टेस्ट खेलने के बाद भी महज 32, वो भी इस मैच के बाद। एक तो फॉर्म रूठा हुआ था इनसे, इस सीरीज में आकर थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन पहले मैच में पहली पारी में ये तो कतई पुजारा बन गए। भाई सिर्फ डॉट बॉल खेलने लगे अपने नेचुरल गेम के अपोजिट, सिंगल भी नहीं निकाले, 66 बॉल सिर्फ 23 रन, दूसरी पारी में 0, दूसरा टेस्ट पहली पारी, फिर बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, पहली पारी में फेलियर, और ठीक वैसे ही शोर होने लगा कि ड्रॉप कर दो इसको, इनका करियर खत्म हो गया है, जैसे पुजारा के साथ होता था। लेकिन तभी भाई ने पूजी स्टाइल में दूसरी पारी में परफॉर्म कर दिया, शतक बना दिया, फिर ये तीसरा मैच पहली पारी में फिर से 0। जब प्रेशर पड़ा ड्रॉप का, भाई ने दूसरी पारी में 91 बना दिया, शतक हो जाता, लेकिन कुलदीप के अंदर का ब्रायन लारा जाग गया, भाई को बैटिंग करनी थी, और दूसरी पारी में ही क्यों, जब ड्रॉप होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो, अपना नेचुरल गेम खेलो, बिंदास खेलो। और हाँ, नंबर 3 है, रिप्लेस पुजारा को किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही पुजारा बन जाइए, आप गिल हैं जो कि अपने आप में ही काफी टैलेंटेड है, तो अपना नेचुरल गेम खेलिए ना। भाई जिस किसी को कोई भी डाउट था ना इस मैच से पहले, वो तो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जो रोहित ने करके दिखाया इस मैच में वो एक ट्रू वॉरियर परफेक्ट टीम मैन की निशानी है। भाई चाहे आसान परिस्थितियों में आउट हो जाए, जब अपना विकेट बार बार अच्छे स्टार्ट के बाद फेंक जाए, लेकिन दो सिचुएशंस में ये हमेशा ही रन बनाते हैं, पहली जब पिच बेहद ही मुश्किल हो, या रन टर्नर हो, या कोई भी चले या ना चले, या फिर जब टीम भी मुश्किल में हो, विकेट गिरते जा रहे हो और जरूरत हो एक बड़ी पारी की, तब हिटमैन का शतक आता ही है। यकीन ना हो तो इंग्लैंड के खिलाफ 2021 चेन्नई टेस्ट, पिछले साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, नागपुर टेस्ट, या पिछला मैच उठा लीजिए, एक कारण है कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जितने भी 100 बनाए सब विनिंग कॉज में आए हैं। मैं इस बारे में पहले भी कह चुके हैं कि बेसबॉल को हुआ मत बनाओ। हाँ, रिवॉल्यूशन तो है जिसने टेस्ट क्रिकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड और हद से ज्यादा एंटरटेनिंग बनाया है, बेबाकी से बड़े चेंजेस होते देखे हमने, लेकिन इंग्लैंड ने जो कबाड़ा किया ना वो भी इसी का सच है। सच तो ये है कि जो तुड़ाई एसएसवी ने की है उसे देखकर ये खुद भूल गए हैं कि बेसबॉल है क्या। फियरलेस और केयरलेस के बीच एक बड़ी बारीक लाइन रहती है जिसे ये लोग क्रॉस कर गए हैं। केयरलेस, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट खेला इन लोगों ने, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ वो बात तो अलग है, लेकिन इनके अपने दिग्गज जो रूट का बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया है बेसबॉल की वजह से, ये बात तो तय है। पहले तो इन्हें जस्सी ने फंसाया, लेकिन जिस शॉट से ये सबसे ज्यादा रन बनाते थे, अब उस रिवर्स स्कोप पर भी आउट होने लगे हैं। रूट ना तो रोक पा रहे हैं ना ही मार पा रहे हैं।
हाँ, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर इस तरीके से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते। अरे थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से खेलो, थोड़ा तरीके से खेलो। क्या है 53 रन पर 7 विकेट, अभी तो रैंक टर्नर भी नहीं दी, वहाँ क्या हाल होगा। खैर जो था सो हो गया, बाकी अब रांची में देखते हैं कैसी पिच होती है, कैसा फीडबैक करेंगे ये, क्योंकि चुप तो ये बैठने वाले नहीं है। तो इंतजार है अगले टेस्ट का। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। मात्र 20% लोगों ने अभी तक क्रिकमाइंड को सब्सक्राइब किया है, 80% लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।